एवरीवन, आई एम ललिता धाकड़ एंड यू आर वॉचिंग ललिताज इंग्लिश क्लासेस। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं टेंस, जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा कठिन माने जाते हैं। बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं कि हमें टेंस आते नहीं हैं। तो आज मैं आपको प्रेजेंट, इंडेफिनेट या फिर आप इसको कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा इस वीडियो में समझाऊंगी। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आज के बाद आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझने में कोई परेशानी नहीं हो। आइए सेशन देखते हैं कि आगे क्या है। तो प्रेजेंट जो सिंपल टेंस, या हम इसको एक और नाम से जान सकते हैं, इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, टेंस एक है लेकिन नाम इसके दो हैं। तो ये जो टेंस, इसकी सबसे पहले हम पहचान देखते हैं कि हम हिंदी में कौन से ऐसे सेंटेंस देखेंगे जहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट सिंपल का। तो देखिए, कोई काम करता है, हम सभी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो काम करते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ मैं सुबह उठती हूँ, फिर मैं चाय पीती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं कुछ पढ़ती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, आप सब भी अपने ऊपर अप्लाई करके देखेंगे अगर, तो हम सभी जो बोल रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं ता है आ रहा है, ती है आ रहा है, ते हैं, ता हूँ या ती हूँ आता है लास्ट में। ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं, वह जाता है, मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, वह मुझे पीटता है, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। तो हम कोई ना कोई काम सभी करते हैं, तो जो आप काम करते हैं वो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल से या इंडेफिनेट टेंस से ही बनेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, इंग्लिश में कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट जो करता होता है वो लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, दो में से एक चूज़ करना पड़ेगा। या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो लिखनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि या तो आप लिखेंगे प्ले, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है ये प्ले, खेलना, या फिर आपको फिफ्थ फॉर्म। अब फिफ्थ फॉर्म से आप परेशान मत होइएगा, मैंने फिफ्थ फॉर्म लिखा है, आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई एस जोड़कर भी बहुत बार दिखा सकते हैं, लेकिन फिफ्थ फॉर्म बोलना थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए, या तो मैं प्ले लिखूं या फिर मुझे लिखना पड़ेगा प्लेज, या तो ये या फिर ये। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी आगे जाकर। तो या तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है या फिर हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब एस जुड़ा हुआ रहेगा उसके अंदर, इतना आप समझिए अभी। उसके बाद आपको जो अदर वर्ड है ऑब्जेक्ट वो लिखना है, ठीक है, लेकिन आपको याद कितना रखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें ध्यान नहीं रखना है। एक सेंटेंस अगर होता है तो सब्जेक्ट भी आता है और ऑब्जेक्ट बहुत बार आता है, बहुत बार नहीं आता है, तो इसका ध्यान नहीं रखना है। मेन जो पोर्शन है वो आपका यहाँ रहेगा, या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फिर क्या लगाना है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, एस वाली फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपका ये जो डाउट है क्लियर कर दूं। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखते वक्त यहीं फंसते हैं, यहीं सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। सब्जेक्ट लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट जैसा दिया है हिंदी में वैसा कर देंगे, लेकिन हम कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और कब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस वाली फॉर्म लगाएं, इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए आप छोटा सा एक यहाँ देखिएगा, और ये यही काम नहीं आएगा, इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इससे बनने वाले, प्रेजेंट सिंपल से बनने वाले और बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं एडवांस, वहाँ भी ये कहानी आपकी हेल्प करेगी। देखिए, ये मैंने बनाई है, जो आपको समझ में अगर आ गई तो आपकी बहुत सारी परेशानी कम हो जाएगी। एक ये लड़का है जिसका नाम हम रख लेते हैं सोहन, सोहन, सोनू, कुछ भी रख सकते हैं। तो एक ये लड़का है अकेला, सोहन, ये रात को अगर जाता है 12 बजे अकेला, तो इसको डर लगेगा, अकेला जाता है तो ये अपने साथ एस का क्या रखेगा, डंडा। समझिएगा, अभी आपको फनी लगेगी, है ना, मजाक में लगेगी, लेकिन बाद में ये जब काम आपके आएगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, कितने आसान है, हम ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सोहन अकेला अगर जाता है तो डर लगता है, डर लगेगा तो एस का डंडा साथ में रखेगा। एक दिन सोहन अपने पापा के साथ जाएगा, ये उसके पापा, इसके पिताजी, और ये सोहन। तो आप खुद बताइए, अब ये अपने पास एस का डंडा रखेगा क्या, इसको डर लगेगा क्या? तो बच्चे खुद बोल देते हैं कि नहीं लगेगा। ठीक है, एस का डंडा कब लगाना है, जब कम होता है, एक होता है, और जब ज़्यादा होते हैं तो एस का डंडा बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन इस कहानी में मैं और तुम, आई और यू, ये दो ऐसे लोग हैं जिन्हें डर नहीं लगता है, ये अपने साथ में एस का डंडा नहीं रखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आई और यू के साथ एस नहीं लगाना है।
ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इनका एक्सेप्शन होता है। अब इस कहानी के द्वारा मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे मैं नाम लिख रही हूँ सोहन, ठीक है, तो सोहन अगर अकेला है तो आपको क्या लिखना है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, एस वाली फॉर्म। लेकिन सोहन और मोहन दो नाम हो गए, अब आप खुद बताइए डर लगेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, फिफ्थ नहीं लगाएंगे, एस वाली नहीं लगाएंगे, कौन से लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एक और देखिए, वे, जिसको हम दे बोलते हैं, वे ज़्यादा होते हैं कि कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा को डर लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब ऐसे करके आप कर लेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। एक और देखिए, वह, लड़का हो चाहे लड़की हो, वह हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अकेले के लिए। जैसे वह खेलता है तो ही प्लेज आएगा, एस क्यों लग रहा है, क्योंकि वह अकेला है, तो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फिफ्थ फॉर्म आएगी। रमेश दौड़ता है तो रमेश अकेला है, तो उसके साथ एस वाला है। हम सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस में हम क्या करेंगे, बनाते समय वो कहानी जो अभी मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले, आपके को ध्यान भी होगी और आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। तो अब हम उस कहानी की हेल्प लेकर यहाँ डिसाइड करेंगे कि हम क्या लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सेंटेंस में लास्ट में पहचान आती है, वह कार चलाता है तो देखिए ता है आ रहा है ना, इसमें देखिए ते है आ रहा है, वे कार चलाते हैं। अब देखिए, वह के लिए हम लिखते हैं ही, लड़का कार चलाता है, लड़की कार चलाती, अगर होता वह कार चलाती है तो शी लिखना पड़ता, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने अभी कहानी बताई आपको कि अगर अकेला होता, आपको जो हमारा पुराना मेथड है सभी का इंग्लिश में जो चलता है, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ एस वाला लगाइए, है ना, और अगर आई वी यू दे प्लूरल हो तो वो लगाइए। अब बच्चा ये तो कर लेगा, चलो फिर भी ठीक है, रट के कर लेता है, लेकिन अगर दूसरा आ गया, उसके भाई खेलते हैं, उसके भाई कार चलाते हैं, अब बच्चा फंस जाता है, अब क्या करें, इसके लिए तो आई वी यू दे ही शीट नेम कहीं कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वो कहानी करेगा, उसके भाई ज़्यादा हैं, उसके भाई हिज ब्रदर्स, तो वो एस का डंडा नहीं लगाएगा, क्योंकि सबको ज़्यादा को डर नहीं लगता है, तो वो गलती कभी नहीं करेगा और आपसे भी गलती नहीं होगी। अब देखिए, वह अकेला होता है कि ज़्यादा होता है, अकेला होता है, तो कौन सा लिखेंगे, ये एस वाला या बिना एस वाला, तो आप सभी एस वाला लिखेंगे। अब यहाँ याद रखिए, पहले वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो कार चलाना है इसलिए हमें राइड नहीं लिखना है, ड्राइव लिखना है। अगर साइकिल और बाइक चलानी होती है, दो पहिया वाहन या जानवरों की सवारी अगर करते हैं तो आप राइड लिखते हैं, कार ठीक है, ड्राइव लिखेंगे इसके लिए। इसमें हम एस जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यह अकेला है वह, ही ड्राइव्स अ कार, देखिए ही ड्राइव्स अ कार। नेक्स्ट मैंने सेम सेंटेंस क्यों लिया है, ताकि आपको बारीकी समझ में आए कि आप कैसे परेशान होंगे और कैसे आप इस कहानी से हेल्प ले सकते हैं। वे के लिए दे आता है, सबको पता है, हम सबको वे ज़्यादा होते हैं, तो अब हमें सेम है देखिए, चलाना और कार ही चलाना है, तो ड्राइव ही लिखेंगे। अभी मैंने एस लगाया था, लेकिन इसमें मैं एस क्यों नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि एक को डर लग रहा था, एस का डंडा उसको दे दिया हमने, इसको ज़्यादा को डर नहीं लगता है, तो एस का डंडा नहीं देना है। दे ड्राइव अ कार, ठीक है, इस तरह से अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपकी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। देखते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे अभी हमने देखा वह कार चलाता है, वे कार चलाते हैं, लेकिन हमें कहना हो वह कार नहीं चलाता है, वह पतंग नहीं उड़ाता है, वह अंग्रेजी या इंग्लिश नहीं बोलता है, तो आप कैसे कहेंगे। डायरेक्ट नोट लगाने से इस टेंस में काम नहीं बनेगा, इसीलिए तो टेंस थोड़े से टिपिकल होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, समझ में नहीं आते हैं, तो इसमें गलती बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप नेगेटिव में समझ लेंगे ना, तो इंटरोगेटिव जो हम बनाएंगे थोड़ी देर बाद, तो आपको परेशानी कम आएगी। अब ध्यान रखना है कि इंग्लिश में क्या रूल है, कि आप डायरेक्ट नोट नहीं लगा सकते हैं। अभी जो पॉजिटिव देखा था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, मेन वर्ब आ गई थी, हेल्पिंग वर्ब कहीं भी आपको दिखाई दी क्या, नहीं दिखाई दी। तो इंग्लिश का रूल है कि अगर आपको नोट लगाना है या इंटरोगेटिव बनाने हैं, तो आपको डू डस की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल डू डस की ज़रूरत है, डिड भी आता है बहुत बार, मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और अगर नहीं है स्ट्रक्चर में पॉजिटिव में, तो आपको क्या करना है, डू डस और डिड लाना पड़ता है। तो हम यहाँ डू और डस को लेकर आते हैं इसमें, क्योंकि ये वी वन की जगह डू लेता है और वी फाइव जो है एस वाला जो है वहाँ एस वाला आता है, ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्ट के बाद डू डस आप लगा देंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे नहीं के लिए, नेगेटिव है,
लेकिन अब देखिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हटा दी गई है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अगर आप लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, केवल वर्ब की क्या लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ गलती होती है। और उसके बाद क्या लिखते हैं हम, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो सिंपल है ठीक है। लेकिन गलती कहाँ होगी कि आप जब डज लिखेंगे तो आपको वापस वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म एस वाली फॉर्म है वो वापस नहीं लिखना है, उसको कौन से में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। और यही सभी बच्चे और सभी बड़े जो भी हैं वो इंग्लिश सीखते वक्त परेशान होते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एक और कहानी जो आप सीखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। देखिए जल्दी से देखिएगा कि एक बगीचा है ठीक है, एक लड़का है, यहाँ वापस हमारी कहानी में उस सोहन को ही वापस लेके आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। सोहन को उसके पिताजी ने कहा कि बेटा बगीचा सूख रहा है, पानी पिलाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो 3 बजे तू दिन में पानी पिला देना ठीक है, 3 बजे। तो सोहन ने कहा ठीक है पापा मैं पिला दूंगा। तो सोहन अब पानी पिलाने वाला है, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे उसने तैयारी करी, 2:30 बजा होगा जितना ही या 2:45 बजे उसने तैयारी करी, नली वगैरह लगाई, सब कुछ पानी की व्यवस्था करना शुरू किया, वैसे ही ऊपर से बरसात हो गई ठीक है। पूरा जो उसका बगीचा है उसमें पानी पानी हो गया सब तरफ, पूरा बगीचा अच्छा पानी से भीग गया, बढ़िया ठीक है। अब सोहन को उसके पिताजी ने कहा कि 3 बजे पानी पिलाना है, अब 3 बजे, अब क्या सोहन पानी पिलाएगा बगीचे को, आप सब बताएं पिलाएगा क्या, और अगर पिलाएगा तो क्या होगा, पौधे पानी ज़्यादा पीने की वजह से ख़राब होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि उसने पानी पहले से ही ऊपर से बगीचे ने पी लिया है, अच्छे से पौधों ने पानी पी लिया है। अब ये क्या होगा, हमारा डबल काम हमें नहीं करना है। सेम आप यहाँ देखिए, समझ अगर आपको आ रहा हो तो, थोड़ा सा मैंने इजी करने के लिए कहानी की हेल्प ली थी। अगर आप डज लगाते हैं, इसमें भी एस है देखिए ठीक है, और फिर अगर आप नॉट के बाद में वापस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिख देते हैं जिसमें भी एस होता है, तो ये वही वाली बात हो गई जो हमने अभी देखा कि सोहन अब डबल पानी अगर पिला देता है तो बगीचा वापस गीला हो जाता है और उससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो इंग्लिश जब बनी थी तो उसमें भी देखिए रूल्स क्या थे कि आपने एक बार अगर डज वाली फॉर्म लिख दी है एस वाली, तो वापस आपको एस का यूज़ नहीं करना है, वापस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। छोटी सी बात है लेकिन गलती बहुत ज़्यादा होती है। सेंटेंस देखिएगा, वह कहानी नहीं पढ़ता है। देखिए सेंटेंस हम बिल्कुल नॉर्मल ही ले रहे हैं ताकि आप सबको समझ में आए। मेरा ये उद्देश्य है कि जो बेसिक लेवल के हैं और जो एडवांस लेवल के, दोनों को मैं समझा सकूं ठीक है। वह कहानी नहीं पढ़ता है, देखिए सबसे पहले ताहे आ रहा है इसके अंदर, नेगेटिव में भी आएगा ताहे, नहीं आ रहा है नेगेटिव है। वह अकेला होता है, अब देखिए यहाँ भी जो बच्चे उस कहानी को कर लेते हैं, यहाँ भी डू डस चूज जब आप करेंगे तो कहानी आपकी हेल्प करेगी। ये रहा एस का डंडा, वह अकेला होता है तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ेगा और आप भी कहानी करके कुछ भी नहीं सोचेंगे। ही डज नॉट, डज क्यों लगाया, क्योंकि अकेला था, अकेले के साथ एस का डंडा वाला आता है। लेकिन अब मैं क्या नहीं करूँगी, रीड्स नहीं लिखूँगी, क्या लिखूँगी, रीड। लेकिन अगर ऐसा होता वह कहानी पढ़ता है तो हम लिखते ही रीड्स अ स्टोरी, लेकिन अब क्या लिखेंगे, ही डज नॉट रीड अ स्टोरी। नेक्स्ट देखिए, रोहन पानी नहीं बचाता है क्योंकि जो डू वाले उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, जो डस लगाते हैं तभी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। रोहन भी अकेला है, अकेला देखते सही एस वाला लगाना है, डस लगाएंगे रोहन। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं एक इसका, डजंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट, रोहन डजंट। अब मुझे बचाने के लिए जो लिखना है सेव, इसमें मैं एस नहीं लगाऊंगी, क्यों, क्योंकि वहां मैंने डज में पहले ही ऑलरेडी एस लगा दिया है और आपको याद नहीं रहता ना, तो आप वो कहानी जो मैंने बगीचे वाली बताई कि अब पानी पिलाएंगे तो बगीचा खराब हो जाएगा, थोड़े दिन आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है, उसके बाद आपकी हैबिट हो जाएगी। रोहन डज नॉट सेव वाटर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार से इसको करेंगे, हैं कि हम इससे प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो कैसे बनाएंगे। तो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे जिसमें क्या आपको कहाँ लगेगा, शुरू में मिलेगा ठीक है, शुरू में क्या होगा, जैसे क्या वह कार चलाता है, क्या वह मैच देखता है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, क्या तुम पढ़ाते हो, इस टाइप से सेंटेंस होंगे।
तो क्या जो शब्द आपको शुरू में मिले तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे डू और डज का, वॉट का यूज़ नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, हम सब सोचते हैं कि जहाँ भी क्या आता है वॉट लगा दो, पर अगर आपने वॉट लगाया तो हम सबकी वॉट लग जाएगी, क्योंकि ऐसा इंग्लिश में नहीं होता है। क्या शुरू में जब आता है तो वो यस नो वाले सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल इंटरोगेटिव में कभी भी वॉट का यूज़ नहीं होता है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लेनी होती है। अब इसके पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो नेगेटिव में हमने क्या लगाया था, डू और डज, और फिट नॉट लगाया था। सेम टू सेम हमें क्या करना है, नॉट नहीं लगाना है, लेकिन डू डज को सब्जेक्ट से आगे लेकर आना है, कैपिटल में लिखना है। और सेम रूल रहेंगे कि डू डज के बाद आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं लिखनी है। मैंने अभी पहले बताया भी था आपको कि अगर आप वहाँ वो कहानी सीख लेते हैं तो आपको हर जगह वो कहानी हेल्प करेगी। और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब देखिए, क्या वह साइकिल चलाता है, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। और एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या वे साइकिल चलाते हैं। एक जैसे सेंटेंस लेंगे अगर तो हमारा जो डाउट है वो जल्दी क्लियर होगा कि कब हम डू लगाने वाले हैं और कब हम डज लगाने वाले। देखिए ध्यान से, क्या वह साइकिल चलाता है, ता है, ती है, ते है, सब आ रहा है लास्ट में। सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखूँ, तो आपकी अगर हैबिट नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप क्या करें, सब्जेक्ट लिखें। यही तो डिसाइड करता है कि डू आएगा या डज। वह कम है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी, एस वाला, ये डज लिखा मैंने। अब इसके बाद ही लगाया, डज ही। अब साइकिल चलाना है तो मुझे राइड लिखना पड़ेगा, ड्राइव नहीं लिख सकते हैं। पहले कार के लिए ड्राइव लिखा, अब राइड लिखेंगे, डज ही राइड। अब देखिए यहाँ एस आ चुका है, यहाँ वो पानी वाली कहानी याद रखिएगा, यहाँ एस नहीं लगाना है। राइड अ बाइसिकल एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, क्या वे साइकिल चलाते हैं। यहाँ डू इसलिए लग रहा है क्योंकि वे ज़्यादा हैं। डू दे राइड अ बाइसिकल, तो ये होगा आपका सिंपल इंटरोगेटिव। वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट टेंस एक बहुत ही अलग तरीके से ट्रिक के माध्यम से कहानियों का प्रयोग करके समझाया है, ताकि आपको आज के बाद सीखने में कोई परेशानी नहीं हो। ये प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस है जिनको आप सभी बनाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं करेक्ट करूँगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये जो मैंने कहानियाँ बताई आपको ये कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इसी तरह इंग्लिश इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।